हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, सेल्स की एंट्री कैसे करी जाए उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए टैली को ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर सेल्स की एंट्री करनी है तो ध्यान रहे कि परचेज आपने किया होगा, परचेज की एंट्री पास करी होगी, तभी आप सेल कर सकते हो, नहीं तो आपको नेगेटिव स्टॉक का मैसेज आएगा। तो ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चलते हैं वी प्रेस करके वाउचर में, और यहाँ पर अभी कौन से वाउचर में, हम पेमेंट वाउचर में, हमें चलना है सेल्स वाउचर में। तो सेल्स वाउचर के लिए आपको कीबोर्ड से F8 फंक्शन बटन प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है? F8। तो यहाँ से सीधा सीधा F8 प्रेस कर लीजिए। तो ये प्रेस कर लिया F8। अब यहाँ पर पार्टी का नाम आएगा, तो जब भी आता है तो सेल्स में हमारी जो ग्राहक पार्टी है, कस्टमर पार्टी है, उसी का लेजर आता है। तो यहाँ पर सप्लायर का लेजर नहीं लगेगा, कस्टमर का लगेगा। तो ये लिखता हूँ कस्टमर ए लिख दिया। और यहाँ पर इसका ग्रुप क्या रखेंगे? सन्ड्री डेटर ग्रुप रखेंगे। और ये सन्ड्री डेटर रखते हुए आगे बढ़ेंगे इस तरीके से, आगे बढ़ते हुए इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, और फिर इसको भी एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, ठीक है। ये हो गया, यहाँ सेल्स आ जाएगा। और यहाँ पर जैसे शुगर है, तो शुगर का कितना स्टॉक बचा हुआ है, तो यहाँ पे 110 किलो है, तो हम 100 किलो बेच देते हैं। तो ये 100 किलो बेचेंगे, तो यहाँ पर कीमत हमको रखनी है। देखिए कीमत हम यहाँ पे 58 रुपये आ रहा है, ठीक है, हमने जो परचेस किया होगा उससे ज़्यादा ही कीमत में आपको सेल करना है। तो ये हो गया। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर GST के लेजर्स आ जाएंगे। तो ये CGST लगा दिया, ये SGST लगा देंगे, क्योंकि सेम स्टेट का मामला है, तो यही इसी तरीके से लगा करके एंटर करके और फिर इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। तो ये हो गया हमारा काम। अब ये एंट्री पास होने के बाद इसका प्रिंट आउट कैसा दिखेगा वो भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये आपका प्रिंट आउट है, ये देख सकते हैं। यहाँ से अल्ट पी करेंगे, एंटर करेंगे, आई बटन प्रेस करेंगे, तो ये प्रिंट आउट आपको नजर आ जाएगा। तो देखिए ये प्रिंट आउट कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको, देख सकते हैं। आई होप की बात समझ में आई होगी आपको, सारा डिटेल यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।